डेट एंड टाइम मतलब कि लास्ट लास्ट अभी तक जो हमने फिर हम कंडीशन को सीखा, कंडीशन किस तरीके से लगाओगे उस चीज को हमने सीख लिया। देन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम टेक्स्टिक डेटा क्लियरेंसिंग और टेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगे वो चीज सीख लिया हमने। और तीसरा हमारे पास आता है और डेट एंड टाइम आता है, किस तरीके से हम डेट एंड टाइम को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए डेट एंड टाइम पे बात करते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? आपको कोई डाउट है लास्ट क्लासेस से तो पूछ सकते हैं आप लोग। मुझे होंगे, लेकिन मैं जरा देख लूँ उसके बाद ही। मैं तो आज तो बाद में फोन करूँगा, ठीक है, जब करूँगा होंगे देखूंगा। कल भी मेरे एक और डाउट आया था, लेकिन मैंने फिर डिस्टर्ब नहीं किया आपको। दिन मेरे दिन में आते हैं डाउट जब मैं काम करता हूँ। पूछ लिया करो सर। अच्छा, और पूछ मैं सकते हैं? हाँ पूछ लिया करो, अगर फोन में नहीं उठाया तो इसमें डाल दो। चलो ठीक है। मैं एक्चुअली, मेरे पास दिन में बहुत ज्यादा, मेरा काम इस तरीके का है, बहुत डाउट आते हैं, तो मैं ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ आउटलुक के भी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपको आउटलुक के बारे में जानना हो तो मैं यूट्यूब की वीडियोज देख सकते हो। आउटलुक के बारे में भी जानना है तो बहुत काम है मेरा, तो सारे दिन हाँ, आउटलुक तो पे ही मैंने है। कल कल दो वीडियोज अपलोड किए हैं आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एंड न्यू मेल कनेक्ट क्रिएशन के बारे में। ऐसे आपको धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ, तो आउटलुक वगैरह पे ही मैं रिकॉर्ड वीडियोज बना रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो यूट्यूब से देख सकते हो। तो उसमें आपका ना सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, तो अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिखाई बेसिकली बेसिकली आपका बेसिकली क्या है ना सर, कि मैं एक बार में पूरा अपलोड कर देता हूँ 100 150 वीडियो। अब एक 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 सब्जेक्ट देख देख के बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जो इसका जो बेस्ट पॉलिसी है वो सब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लिंक भेजता हूँ मैं या फिर बता दूँ। ठीक, ओके ओके। तो डेट, अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि हम सिस्टम में डेट डालेंगे कैसे। सिस्टम में अगर डेट की टाइपिंग करते हो तो सिस्टम का दो फॉर्मेट होता है, एक आपका होता है DD MM NY, जी इंडिया का फॉर्मेट है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट की यूज नहीं करते। बेसिकली हम यूज करते हैं MM DD NY, जो US का फॉर्मेट है। ऐसा इसलिए कि जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली डिफॉल्ट फॉन्ट ए होता है, तो हम लोग इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करते। रोटी संजीव जी आप रोटी म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से इको आ रही है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो मतलब कि अगर आपने, अब इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया 5 10 मई है, तो मेरे सिस्टम पे 10 मई है क्योंकि मेरा फॉर्मेट अगर MM DD YY का है। लेकिन अगर किसी को मैंने मेल किया, अगर उसके पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट DD MM YY का हुआ, तो उसके पास ये दिखाएगा 5 अक्टूबर, क्योंकि तो उसके सिस्टम में जाते ही जो मंथ था वो डेट बन जाएगा, जो डेट था वो मंथ बन जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलन में नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आप DMY सिलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा कुछ फॉर्मेट। या फिर किसी ने अगर आपको इस तरीके से कि 23 इस तरीके से लिख रखा है डॉट में, तो ये डेट नहीं है, हमने डॉट लगा दिया है, डेट नहीं, टेक्स्ट मानेगा, डेट को मानेगा ही। अगर डॉट को भी हटा दीजिए फिर भी ये डेट नहीं मानेगा। आप चाहते हो कि डेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए भी आपको टेक्स्ट टू कॉलन में नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पे आपको DMY सिलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए, तो आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम होती है कि हम डेट को कन्वर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे होती है जब हमारे पास बार बार डेट आते रहते हैं और आपको बार बार एक काम करना होता है। तो आपको एक इस तरह का एक टूल क्रिएट करना है, इस तरह का एक तरीका निकालना है जो बार बार ना करना पड़े। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि जब डेट आप किसी को भेजो या किसी से मांगो, तो जो है आप जो है इसमें बोलो कि भैया मुझे डे अलग कर दो, मंथ अलग दो एंड ईयर अलग अलग दो। मतलब एक पर्टिकुलर डेट जो आपको तीनों अलग अलग करके लो,
अगर आपको तीनों अलग अलग करने हैं तो मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास तीन अलग अलग फॉर्मूले जो किसी पर्टिकुलर डेट से डे को अलग करता है, मंथ को अलग करता है एंड ईयर को अलग करता है। डे को अलग करने के लिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए डे का, डे को सिलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, ये उसमें से सिर्फ पांच को अलग कर दिया जो कि डेट आज 5 अगस्त है। देर मैंने सिलेक्ट किया ईयर को और यहां से मैं ईयर को अलग कर दिया और यहां पे ईयर नहीं, फिर मंथ था ना, मंथ को अलग कर दिया और यहां पे मंथ आ गया। देन ईयर को सिलेक्ट किया और यहां से ईयर को अलग कर दिया। तो आपने के पास तीन फॉर्मूले थे जिससे आपने मंथ, डेट और ईयर अलग किए, ये आपका डे, मंथ एंड ईयर। अगर आपको तीनों अलग अलग मिले फिर वापस कंबाइन करना हुआ तो आप वापस डेट का फॉर्मूला लगाइए और फिर इसमें ईयर, मंथ और डे को अलग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप कोई इंटरनेट फॉर्म वगैरह भरते हो तो इसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो मंथ, डे और ईयर तीनों का आप अलग अलग इसका यूज कर सकते हो, ठीक है सर। अब इसमें हमारे पास आगे अगर बढ़ी है तो इसमें एक और चीज होती है कि यहां पे हम कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन की। अगर पर्टिकुलर डेट है, अगर इस डेट पे मुझे 20 दिन जोड़ने हैं तो जस्ट मैं इस डेट में प्लस 20 कर दूंगा तो दिन जुड़ जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट पे मुझे मंथ जोड़ने, मुझे इसमें 6 महीने जोड़ने, तो यहां पे हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि 6 × 30 या 31 गलत हो जाएगा। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ई डेट का, ई डेट और इसमें आप 6 को जोड़िए तो 6 जोड़ के उसका एक पर्टिकुलर डेट दिखा देगा। अगर घटाने हैं तो -6 लीजिए, आपको वापस घटा देगा। जोड़ना घटाने के लिए आप ई डेट मंथ कर सकते हो, नॉर्मल डेट के लिए तो डेट डाल दो, मंथ के लिए यहां पे मंथ डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका किसी पर्टिकुलर डेट जो है, इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे 2 महीने 2 साल 11 महीने और 27 दिन जोड़ने, अब यहां पे इन दोनों में से कोई फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। अब मुझे इस मेथड को, जो ऊपर वाला मेथड मैंने बताया, इस मेथड को वर्क करना पड़ेगा। मतलब मुझे इस डेट से डे को, ईयर को अलग करना पड़ेगा, फिर मंथ को अलग करना पड़ेगा एंड फिर डेज को अलग करना पड़ेगा और फिर इसको आपस में प्लस कर दीजिए और फिर डेट के साथ कंबाइन कर दीजिए, डेट, ईयर, मंथ। मंथ में देखिए 19 महीने है, तो ये क्या करेगा कि 12 माइनस कर देगा, 12 माइनस करके एक 16 को 17 बना देगा और फिर यहां पे जो 12 माइनस करने के बाद जो बचेंगे 7, वो 7 मंथ दिखाएगा। और सेम यहां 32 है तो जो 30 है 31 जो भी होगा डेट को एक जोड़ के आपको 7 को 8 महीना कर देगा। मतलब कि डेट आपका आएगा, ये आएगा आपका 1 अगस्त 2017। तो जब डेट में ईयर मंथ अलग अलग जोड़ने हो तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो मैंने लेंथी लगाया, अब इस फॉर्मूले को कंबाइन कर लो या फिर आप इकट्ठा एक ही जगह लगा दो कि डेट, ईयर, ईयर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें से ईयर निकला और प्लस 2 हो गया, देन मंथ, मंथ निकला और इसमें प्लस 11 हो गया एंड डे निकला और इसमें प्लस 27 हो गया, ठीक है। तो आगे आपको डेट डेट में कुछ किसी भी तरह की ऐड करना सीख गए आप, डे, मंथ और ईयर। कोई डाउट आप लोगों को? राहुल जी को डाउट? ठीक है। अब मान लीजिए, अब बात आती है डेट में तो जोड़ दिया, अब डेट का डिफरेंस निकालने की बात आती है कि 1 जनवरी 2001 से लेके
टिल डेट, टिल डेट है मतलब कि 1 जनवरी 2014 से लेके जो आज तक का डेट है, मुझे इसके बीच में डिफरेंस निकालना है कितने नंबर ऑफ डेज हुए हैं, जस्ट डिफरेंस निकालना है। तो आप इसको यहां से जस्ट लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिए कि आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में मुझे सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के बाकी सारा डेट चाहिए, मतलब कि वर्किंग डे चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें नेट वर्क डेज, नेट वर्क डेज स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और इसमें बीच में कोई होलीडे लिस्ट है जैसे कि कोई छुट्टी पड़ती है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, वो रेस्टेड होलीडे है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वो भी इग्नोर कर देगा। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें सैटरडे संडे नहीं, मेरा कोई पर्टिकुलर डेट इग्नोर हो, तो इसके लिए 2007 में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट 2013 को अगर हम खोले तो 2013 में हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल INTL, नेटवर्क डेज डॉट INTL। लगाने का तरीका सेम है कि स्टार्ट डेट एंड डेट एंड होलीडे कि आपका किस दिन इग्नोर करना चाहते हैं, तो कंपनी किस दिन बंद होती है, सैटरडे संडे संडे मंडे, जैसे हसन जी का जो छुट्टी होता है वो होता है फ्राइडे एंड सैटरडे, तो यहां पे फ्राइडे एंड सैटरडे सिलेक्ट करके और फिर यहां पे वो एक होलीडे लिस्ट जो भी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस ही निकाल के दिखा देगा कि बिजनेस फ्राइडे और सैटरडे वो गैप कर रही है। लेकिन ये फीचर्स सिर्फ 2010 एंड 13 पे ही अवेलेबल है, 2007 पे अवेलेबल नहीं है। अब बात कहते हैं कि अगर मुझे किसी डेट निकालना हो नंबर ऑफ डेज के बाद का वर्किंग डे, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने अपना बैंक में एक एप्लीकेशन फिल किया, बैंक ने बोला कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में आपको 8 वर्किंग डे लगेगा, मुझे पता करना है कि 8 वर्किंग डे मतलब कि सैटरडे संडे छोड़ के 8 वर्किंग डे पे कौन सा डेट पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला वर्क डे, वर्क डे स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज एंड होलीडे लिस्ट, डेट बता दिया हमारा कि 15 अगस्त को 8 दिन बाद 15 अगस्त पड़ेगा, 8 वर्किंग डेज बाद। अगर 15 अगस्त की छुट्टी है तो ये जो हमारा गैप है इसमें अगर आगे हम 15 अगस्त डाल दें तो फिर ये 18 अगस्त हो जाएगा। H15 क्या लगाया आपने, हॉलीडे वाला कॉलम एच ए था आपका कि होलीडे लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए ना, क्यों फिर अगर जो पूरे साल का जो होलीडे है, जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन कंपनी बंद रहती है, एक तो सैटरडे संडे बंद रहती है, एक दिन उसके अलावा जो आपकी जो छुट्टियां मिलती है, जैसे 15 अगस्त को छुट्टी मिली, ऐसे दिनों का लिस्ट डाल दीजिए। अगर अगर जो डेट के बीच में कोई इसमें डेट होगा तो उसको भी वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सर, हाँ सर पूछिए सर, ये आपने H9 to H15 क्यों स्टैक किया सर फॉर्मूला में? मैंने यही तो बताया मैंने आपको कि एक इसमें तो सिर्फ सैटरडे संडे इग्नोर करेगा ना, अगर आपको इसके बीच में कोई हॉलीडे है तो उसको उसको भी इग्नोर करवाना है आपको। एक बार का वीक ऑफ होता है कि गेस्टेड हॉलीडे होता है 26 आपका 25 सितंबर या फिर और भी लेबर डे ऐसे बहुत सारे डेट होते हैं ना जिन छुट्टियां होती है कंपनी का होली लिस्ट जो होता है। ओ, अच्छा अच्छा, तो ये ब्लैंक साल बेसिकली यहाँ पे कोई भी डेट ऐड कर। हाँ, आपने पूरे साल का डेट सेलेक्ट कर दो ना, जरूरी नहीं कि दोनों के बीच का डेट होना चाहिए, वो आपने आप चेकआउट करेगा कि दोनों के बीच में डेट पड़ेगा तो रखेगा बना हटा देगा, और यहाँ भी सेम हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, आपको अगर इसमें सैटरडे संडे के अलावा कुछ और चाहिए तो सेम आपको 2013 पे आपके पास मिलता है यहाँ पे workday.intl, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टार्ट डेट एंड डेट एंड यहाँ पे कोई भी आप लिस्ट देना चाहते हो।
ठीक है। उसके बाद इसमें हमने लिया, अब बात होती है कि अगर दो डेटों का बीच आपको डेट ऑफ बर्थ निकालना हो तो कैसे हो सकता है? तो राहुल जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? शर्माई नहीं, बताइए बताइए, कोई लड़की नहीं है बैच में? हाँ नहीं सर, वो म्यूट था इसलिए फोन कर सकते हैं। 12 मई 1996। 12 मई 1986 ना? सर 86 86 है, 3 साल आपको और बड़ा कर नहीं दिया, ठीक है 86। अब मुझे राहुल जी का जो एज निकालना है, कितने साल एग्जैक्ट एज, कितने मंथ और कितने दिन का होना चाहिए? अब हम अंदाजा तो एक ईयर में, ईयर में तो निकाल सकते हैं कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे और फिर जो डे जाएगा उसको डिवाइड बाई 365। तो मुझे 28 साल पता चल गया, लेकिन मुझे 28 साल ही नहीं, मुझे 28 साल कितने महीने और कितने दिन होने चाहिए ये पता करना है। तो उसके लिए इस मेथड पे नहीं हो सकता, उसके लिए आपके एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला है डेटेड इफ। डेटेड इफ का लिस्ट में नहीं आता है, ये आपका एड इन फॉर्मूला होता है। डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहां पे आप डाल दीजिए कि क्या चाहिए, ईयर चाहिए तो वाई डाल दिए जिससे आपको ईयर पता चल जाएगा, 28 साल आ गया। देन सेम यहां पे डेटेड इफ लगाइए मंथ के, सेम सेम फॉर्मूला लगेगा डेटेड इफ। अब यहां पे स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका जहां तक कैलकुलेट करना हो। अब यहां पे अगर मैं इनवर्टेड कॉमा में एम डाल दूं तो एज इन मंथ आ जाएगा, 338 महीना। लेकिन मुझे एज इन मंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 28 साल के बाद जो मंथ बचता है, तो मैं यहाँ पे इग्नोरिंग पॉइंट डाल दूंगा वाई, कि वाई को इग्नोर करो फिर जो महीना बचता है वो महीना दिखाओ, तो बताएगा 2 महीने। और डे के लिए भी सेम यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे लिख दिया मैंने डेट यहां पे एम डी मंथ को इग्नोर करो, यहां पर वाई एम डी मत लिखिएगा, एम डी से। तो इनकी एज हो गई राहुल जी की 28 साल 2 महीने 24 दिन। सर मुबारक हो, मेरे तरफ से केक काट लीजिएगा। ठीक है, तो इनकी एज किसी पर्टिकुलर का एज आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन इस डेटेड फॉर्मूले में? अब बात करते हैं हम टाइम का। हासन जी कुछ डाउट है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ना मेरे पे एक सीट है, मैं तो फिर वो हेलो हेलो हाँ नहीं तो दोस्तों देखना जी, वर्क डेज का फॉर्म, वर्क डेज, हाँ वर्क डेज ऊपर लगाया हमने, हाँ उसका यूज क्या है? उसका यूज होता है कि आप ये देखिए, ये आपके पास स्टार्ट डेट था और एंड डेट था, तो आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट डेट और डिफरेंस है और डेज निकालना है, मतलब कि मान लीजिए आप किसी सर्विस सेंटर में कॉल कर रहे हैं, आप एक किसी और फाइल बना रहे हो कि भाई इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग डेट निकालनी होगी ना, कि अगर मैं काम आज स्टार्ट कर रहा हूँ 7 दिन लगेंगे तो 7 ए रिपोर्टिंग डेट कब होगा, मैं इस फाइल को रिपोर्ट कब करूंगा। ओके ओके, हाँ संजीव जी क्या पूछ रहे थे आप? फिर एक शीट है बाद में, अगर आपको टाइम है आज नहीं तो कल, वो शीट लेके आप, वो डेट है उसके अंदर तो जरा उसको कन्वर्ट कैसे, वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग शीट है जिसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो जरा अगर वो बता देंगे तो हमें बहुत, हमारे पास डेटा है बड़ा भारी डेटा होता है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पे। अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिखा 10:20 और 40 सेकेंड, अगर इस टाइम में आवर को, मिनट को और सेकेंड को अलग करने हैं, तो यहाँ पे आवर के लिए हम देंगे आवर का फॉर्मूला,
मिनट के लिए देंगे हम मिनट का फॉर्मूला, और सेकेंड के लिए देंगे सेकेंड का फॉर्मूला, तो ये अलग अलग हो जाएगा। वापस कंबाइन करना चाहते हो तो आप यहीं पे टाइम का फॉर्मूला लगाइए और फिर आवर, मिनट और सेकेंड डालिए, वापस टाइम में बन जाएगा। अब कैलकुलेशन की बात करें, अगर मुझे मान लीजिए कि आप सुबह में 10 बजे ऑफिस गए 10:20 पे और शाम को 19:40 पे छूटे, आपने कितना घंटा काम किया, तो डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल सा आप क्या कीजिए कि आप इसको माइनस कर दीजिए लेटेस्ट टाइम में से ओल्डेस्ट टाइम को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्या बोला कि मैं आज डेट कौन सा है, आज डेट है, आज मैं 10:40 पे ऑफिस गया और अगले दिन मैं सुबह 8 बजे ऑफिस से आया और टाइम निकालना है, तो आप यहां पे 8 - 10 को नहीं कर सकते क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन जिसमें डे चेंज हो रहा हो, 24 घंटे का फॉर्म हो, उसमें आप क्या कीजिए कि सिंपल सा यहाँ पे है कि आप डेट एंड टाइम को खाए इकट्ठा लिखिए या फिर उसमें प्लस कर दीजिए या फिर आप इस तरह से इकट्ठा ही लिख लीजिए। देन जो लेटेस्ट डेट एंड टाइम है उसमें से ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम को माइनस कीजिए, आपका डिफरेंस यहाँ पे बन के आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा उससे आप फॉर्मेट अप्लाई कीजिए यहाँ टाइम में जाके 37:30 तो आपको एग्जैक्ट दिखाएगा कि 21:50 आपने काम किया है। तो इस चीज का बहुत अच्छी बात होती है। अब टाइम में कुछ जोड़ना है आपको, अगर मान लीजिए कि 10:40 है, इसमें मुझे 5 मिनट जोड़ने हैं या फिर मान लो 20 मिनट जोड़ने हैं, अगर उस 20 मिनट को अगर आपने टाइम फॉर्मेट में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप इसको प्लस कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर उसका आपने नंबर फॉर्मेट आपने 20 लिख दिया, तो फिर आप डायरेक्ट इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये 20 जो है, ये 20 अगर जब भी अगर मैं इसको प्लस करेंगे तो 20 × 24 हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है अगर आप न्यूमेरिक में 1 लिखते हो तो इसको 24 घंटा मानता है, एक दिन मतलब 24 घंटा। तो इस तरह का अगर नंबर में कहीं पे टाइम जोड़ना हुआ तो आप इसको हायर तो कहीं इस फॉर्मेट में लिख लीजिए या फिर आप इसमें प्लस कीजिए और इस 20 को टाइम में डाल दीजिए कि टाइम 0, 20, 0, ठीक है। कोई डाउट इसमें सर आपको? नहीं। अब चलिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं डेट एंड टाइम के, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास टुडे का। टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट निकालता है, और हमारे पास एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम दोनों निकालता है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर डेट से उस पर्टिकुलर डेट या उस मंथ का आखिरी डेट पता करना है, अगस्त में मुझे पता करना है कि अगस्त में आखिरी डेट जो है 31 या 30 है, तो उसके लिए आप ईओ मंथ एंड ऑफ द मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कॉमा 0, मतलब कि सेम महीना। तो आपने अगर 0 डाला तो उसी महीने की 31 तारीख दिखा दिया, अगर मैं यहाँ पे 1 डालू तो उसकी अगले महीने को दिखा देगा 2, तो उसका उतने महीने स्किप करेगा, फिर अगर माइनस में करूं तो पिछले महीने का दिखाएगा। तो अगर किसी महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिकली चाहिए कि भैया हम यहाँ पे जो भी मंथ डाले उसको स्टार्ट डेट और एंड डेट अपने आप आ जाए, तो आप क्या कीजिए ईओ मंथ से एंड डेट निकाल लीजिए 0 डाल के और स्टार्ट डेट में आप -1 करके +1 कर दीजिए, तो स्टार्ट डेट निकल जाएगा। तो अगस्त का स्टार्ट डेट निकल गया, तो ईओ मंथ उसके लिए यूज करते हैं। अब कभी कभी क्या है कि टेक्स्ट में डेट लिख जाता है, जैसे 1 जैन 2014। अब इससे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका टाइम नहीं है, टेक्स्ट में है। इसको आप डेट वैल्यू में आप कन्वर्ट कर दे, आपका डेट बन जाएगा। ठीक है, अगर सेम आपका टाइम है
कि टाइम अगर किसी ने टेक्स्ट में लिख दिया है तो इसको आप टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करके आप इसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला रह गया डेट एंड टाइम में। हमने डेट डेट वैल्यू डे डे 360। अब दो डेट का बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, जिसमें मुझे 1 जनवरी से लेके आज तक का डेट का डिफरेंस निकालना है इन द डे। तो अगर हम इसको करते हैं तो क्या करता है कि ये साल को 365 दिन रख के यहाँ पे आपको डिफरेंस देता है। लेकिन एक होता है 360 दिन, तो आप अगर डे 360 लगाते हो तो साल को 360 दिन मान के डिफरेंस देता है। ऐसा इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 365 दिन का नहीं 360 दिन का होता है। संजीव गौतम जी इस चीज को ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि तो जब भी हमें बैंक इंटरेस्ट देती है तो 360 दिन 365 दिन पे नहीं 360 दिन पे देती है। और ऐसा नहीं है, ये जो फाइनेंशियल में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो रिलेशनशिप है ना, ओनली फॉरेन एक्सचेंज जहाँ फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है वहाँ इस में 360 डेज जो है वो एक प्रिज्यूम किया गया है। अदरवाइज जो अदर देन फॉरेन जो है ना करेंसी वो है ना पैरामीटर वो सब जगह वो ये 65-364। लेकिन अगर कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो उस कैलकुलेशन में थ्रूआउट वर्ल्ड इसको यूनिवर्सल बनाया गया है। तो इसलिए वो खाली मैंने बीकॉम पढ़ा था, बीकॉम में चीज पढ़ा था कि 5 दिन होती है कंपनी 5 दिन अपने पास लेती है डेटा अपने लेजर्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी तो कंप्यूटराइज हो गया है इसलिए जल्दी मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब पहले मैनुअल लेजर था तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए उनको टाइम चाहिए होता था। नहीं, वो क्लैरिटी मैं कर दूं, वो जरूरी है, हालांकि इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो फॉरेन जो दुनिया के यूनिवर्सल पेमेंट है, जैसे यहाँ का जापान, जापान से यहाँ, यहाँ से यूएस, इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर कंट्री जो फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट है वहाँ 360 एक कन्वेंशन बना ली है एज पर एक वो है UCPDC, वो रूल बना लिया। अदरवाइज ये जो बाकी जो है सब में 365-360 डे सब जगह एक्चुअल है। ठीक है सर, मैं उतर जरूरी है। हाँ जरूरी था तो 360 का 360 दिन के बिहाव से डिफरेंस निकालेगा, जिसके बिहाव से आगे आप जो भी कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो डेट के बीच का डिफरेंस आप 360 डेज के बिहाव से 360 फॉर्मूले की निकाल सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें ई मंथ आवर मिनट सेकेंड नेटवर्क डेज नाउ सेकेंड हमसे पढ़ चुके हैं टाइम वैल्यू टुडे। एक आपका आता है वीक डे एंड वीक नंबर, दो फॉर्मूले इसको हम भरते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट रखा, आप यहाँ पे मान लीजिए कि अगस्त का ही डेट रख लीजिए, हाँ 1 अगस्त। अगर मुझे इसमें का डे निकालना है तो डे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम टेक्स्ट का फॉर्मूला अपना सकते हैं। इसमें सिलेक्ट करिए और मैंने लिख दिया डी 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 डी, 3 बार डी डी डाल दिया तो फ्राइडे मंडे ट्यूजडे आ गया। लेकिन मुझे इसमें चाहिए नंबर में, जैसे फ्राइडे इट मीन्स की 5, सैटरडे 6, संडे 7, देन मंडे 1, इस तरह से न्यूमेरिक में चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे हम वर्क डे लगाते हैं, तो वर्क डे वीक डे, वीक डे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको देना होता है आपका वीक डे का टाइटन टाइप क्या है, 1 एंड 2। 1 उसलिए दिया जाता है जब आपका वीक संडे से स्टार्ट होता है, हसन जी का वीक संडे से स्टार्ट होता है, आज मतलब कि वो फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी पे रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी पे रहते हैं और मंडे से स्टार्ट होता है उनका। नहीं हसन जी तो गल्फ में नहीं है, वो तो वहाँ है यूके में है, सॉरी। तो गल्फ कंट्रीज में क्या होता है फ्राइडे एंड सैटरडे हमारा छुट्टी होता है और संडे वीक स्टार्ट होता है। लेकिन इंडिया एंड बाकी जो कंट्रीज है उसमें क्या है कि सैटरडे एंड संडे छुट्टी होता है और मंडे से स्टार्ट होता है। तो आप 2 डालिए तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्राइडे को 5 बार सैटरडे को देते नंबर में कन्वर्ट कर देगा, तो वीक डे आपका नंबर में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से मेथड में चाहिए या इस मेथड में चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए, वो आपका वीक डे का वीक निकाल के दे देगा। इसकी जरूरत पड़ती है जब हम वीकली रिपोर्ट यानी वीकली रिपोर्ट जनरेट को ऑटोमेशन करते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। अब बात करते हैं आगे हम इसमें कि
अगर मुझे ये करना हुआ कोई वीक, मतलब कि एक होता है वीक नंबर, अगर आप कोई भी डेट डालिए वो बताएगा कि इस साल का कौन सा वीक चल रहा है, तो आपका वीक नंबर बताएगा कि साल का कौन सा वीक है, ये साल का 32वां वीक चल रहा है। ये पूरे साल का दिखाता है, साल में जो 52 या 53 वीक होते हैं उस वीक में से कौन सा वीक चल रहा है, तो 32वां वीक चल रहा है हमारा। एक लास्ट है हमारा ईयर फ्रीक्वेंसी। ईयर फ्रीक्वेंसी क्या करता है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट 1 जनवरी को स्टार्ट किया पूरे साल के लिए, एक साल के लिए मैंने बोला कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का पेमेंट वो है और पूरे साल मैं काम करूंगा और आप जो है मुझे बिल करोगे 5 लाख रुपए। लेकिन क्या हुआ कि आज मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूं तो मुझे 5 लाख तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए के लिए पूरे साल के लिए बिल किया था ना, पूरे साल बिल किया था, तो मैं कितना परसेंट मिले, मतलब कि मैं कितना परसेंट साल का यूज कर चुका हूं, तो उसके लिए आप ईयर फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। ईयर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट और एंटर मार दीजिए तो आपको बता देगा कि आपने 59% जो है वीक स्टार्ट कर चुके हैं एंड आप 5 लाख का 59% निकाल लीजिए, ये आपका 2,97,000 रुपए का बिल मिलेगा। तो इसके लिए यूज करते हैं, तो ईयर फ्रीक्वेंसी इसके लिए यूज होता है, ठीक है सर। अब एक्सेल 2013 में देखते हैं कोई नया फॉर्मूला आया है जो हम सीख सकते हैं। डेट, डेट वैल्यू, डेज, डे 60, ई डेट, आवर, एक आया है ISO वीक नम, रिटर्न द नंबर ऑफ वीक फॉर ISO नंबर ऑफ द ग्रेटर देन गिवन। मैं भी फॉर्मूले के बारे में नहीं जानता हूं, मैं एक बार इसको 32वां वीक दे रहा है, तो वीक नंबर की तरह ही हुआ, जो वीक नंबर हमारा देता है उसी वीक नंबर की तरह हुआ ISO वीक फंक्शन। नंबर ऑफ द वीक इन द ईयर दैट स्क्वायर द बेस ऑन द वीक द बिगिनिंग ऑन द, ओके ये मंडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे से स्टार्ट करता है, सॉरी ये 32वां वीक लिया कि इसका ईयर मंडे से स्टार्ट हो, तो उसने मंडे से काउंट किया, मंडे से पहले का छोड़ दिया इसने, तो ISO वीक नंबर एक नया फॉर्मूला आई थी इसने, अपने बारे में जाना। उसके बाद हम मिनट, मंथ, सेकेंड, वीक नंबर, वर्कडे डॉट इंटरनेशनल और ईयर फ्रीक्वेंसी, बाकी सब फॉर्मूला फिर नया फॉर्मूला, एक आई बस एक यही था ISO वीक नंबर था जो कि मंडे से वीक को स्टार्ट करता है, बाकी इग्नोर कर देता है, मतलब कि अगर देखोगे तो एक वीक का डिफरेंस रहेगा इसमें, वीक नंबर और ISO वीक नंबर में आपको क्या है एक वीक का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डेट एंड टाइम का फॉर्मूले आज मैंने खत्म किया, कल की क्लास में लुकअप एंड रेफरेंसेस की फॉर्मूले आपको हम बताएंगे, कल हम लुकअप रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे, तो तक इसकी आप प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए। री लुकअप एच लुकअप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लुक इन रीज में एच लुकअप आपको परसों होगा, अभी नहीं होगा, कल आपको रेफरेंसेस कराए जाएंगे, जैसे कॉलम, रो, ट्रांसपोज, हाइपरलिंक, ऐसे। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे वो शीट में आपको